दूसरे राज्य, चूंकि कोरोना के कारण जो मजदूर थे, जो श्रमिक थे, वो जो दूसरे राज्यों में काम करते थे, वो बिहार की ओर लौटना शुरू हो गए हैं। और इसको लेकर के सरकार पूरी तरह सचेत भी हो गई है, लगातार ट्रेन चलाई जा रही है, लोग अपने घर वापस आने की होड़ लग रही है। क्योंकि पिछले साल की जो भयावह स्थिति लॉकडाउन की, बहुत बड़ी त्रासदी वाली समस्या थी, लोगों के जहन में आज भी उसका डर ताजा है। और कहीं ना कहीं उसी डर के वजह से अब जो हालात है, इसको लेकर के जो बाहर श्रमिक वापस चले गए थे काम पर, वो अपने घर आने लगे हैं। तो आपको बता दें कि श्रमिकों के आने के बाद पंचायतवार उनकी मैपिंग की जा रही है, और कोरोना जांच और क्वारंटाइन की व्यवस्था संग रोजगार पर भी सरकार काम कर रही है। तो ऐसे ही हम आपको बता दें कि जिस तरह से कोरोना के बढ़ते प्रकोप के चलते एक बार फिर काफी संख्या में लोग बिहार वापसी होने लगी है, सरकार इन लोगों को कोरोना जांच के साथ अब इनके रोजगार की भी व्यवस्था को लेकर रूपरेखा बना रही है। बाहर से आने वाले बिहार कामगारों को पंचायतवार मैपिंग कराई जाएगी ताकि उनकी कार्य कुशलता का पता लगाया जा सके। अकुशल लोगों के लिए मनरेगा के जरिए काम की व्यवस्था की जाएगी, वहीं कुशल लोगों को उद्योग विभाग और विभिन्न योजनाओं के जरिए स्वरोजगार के लिए प्रेरित किया जाएगा। कोरोना की दूसरी लहर तेजी से फैल रही है, फिर कहीं लॉकडाउन न लग जाए, इससे तमाम कामगार आशंकित हैं। पुराने अनुभव से सीख लेकर वे समय रहते घर वापसी करने लगे हैं। देश के विभिन्न हिस्सों में ट्रेन व अन्य माध्यमों से आने वाले लोगों की कोरोना जांच का इंतजाम रेलवे स्टेशनों, एयरपोर्ट, बस अड्डों आदि पर किया गया है। संक्रमितों को आइसोलेशन में रखने के लिए क्वारंटाइन केंद्रों की व्यवस्था भी सरकार ने की है, वहीं उनके रोजगार को लेकर के भी कवायद शुरू कर दी गई है। इसे लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा भी विभिन्न विभागों को दिशा निर्देश दिए गए हैं। श्रम संसाधन विभाग पंचायत स्तर पर इन प्रवासी कामगारों को मैपिंग कर काम जल्द शुरू करेगा। उनकी दक्षता और क्षमता के हिसाब से ही संबंधित क्षेत्रों में उनके रोजगार या स्वरोजगार की व्यवस्था की जाएगी। इसके लिए विभाग के मंत्री जीवेश कुमार ने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिया है। दरअसल बाहर से लौटने वाले लोगों में बड़ी संख्या में अकुशल श्रेणी के हैं। ऐसे लोगों को मनरेगा के जरिए मजदूरी का काम दिलाने का प्रयास सरकार कर रही है। इसके लिए लक्ष्य भी बढ़ाया गया है। पिछले साल भी कोरोना काल में मनरेगा योजना बिहार सहित देशभर में खासी कारगर रही थी। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना की भी होगी भूमिका। आपको बता दें कि सरकार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना चला रही है। इसके तहत फिलहाल अनुसूचित जाति, जनजाति और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लोगों को अपने रोजगार शुरू करने के लिए सरकार 10 लाख तक की मदद दे रही है, लेकिन अब इसे महिलाओं और सामान्य वर्ग के लोगों के लिए भी शुरू करने की तैयारी है। बिहार में आने वाले को उनके हुनर के अनुरूप इस योजना से जोड़कर स्वरोजगार शुरू करने के लिए भी प्रेरित किया जाएगा। आपको बता दें कि संक्रमण बढ़ने के चलते बड़ी संख्या में लोग बिहार लौट रहे हैं और सरकार इसे लेकर बेहद संवेदनशील है। ऐसे लोगों की पंचायतवार मैपिंग जल्द शुरू होगी। अकुशल श्रमिकों को मनरेगा और कुशल लोगों को मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत जोड़ा जाएगा। और ये तमाम बातें जो है वो जीवेश कुमार मंत्री, श्रम संसाधन मंत्री है, उन्होंने कही है। तो अब बिहार के जो श्रमिक है, जब वो घर लौटेंगे तो उन्हें इस बात की चिंता नहीं होगी कि फिर अपने परिवार का पेट कैसे पालेंगे और रोजगार कहाँ से लाएंगे। तो इनके लिए सरकार ने ये व्यवस्था की है कि मैपिंग करने के बाद जो कुशल लोग हैं उनको उस श्रेणी में रखा जाएगा, और जो दक्ष नहीं है, जो अकुशल है, मजदूर वर्ग के लोग हैं, उनके लिए मनरेगा में व्यवस्था की जा रही है। तो ऐसे ही खबरों को देखने के लिए बिग न्यूज 9 के साथ बने रहें और हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। फेसबुक पर भी आप हमें फॉलो करें और साथ ही साथ इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी बिग न्यूज 9 मौजूद है, वहां भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।